एग्रीकल्चर कैटलिस्ट में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम प्लांट पैथोलॉजी के बारे में डिस्कशन और अध्ययन करेंगे और उसके हिस्ट्री एंड डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम्स जेआरएफ के लिए और इसके साथ ही मैं जो एएफओ और दूसरे एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इससे आपके प्लांट पैथोलॉजी के जो सारे बेसिक हैं वो क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि कई दोस्तों ऐसी टर्मिनोलॉजी रहती हैं जो आप वीडियो को अगर स्किप कर देते तो फिर बाद में समझने में दिक्कत जाएगी। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो पर लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो प्लांट पैथोलॉजी और फाइटोपैथोलॉजी इज़ द साइंस विच डील्स विद द प्लांट डिसीजेज़। तो दोस्तों ये आपकी जो फाइटोपैथोलॉजी है ये एक आपकी साइंस है विच डील्स, जो आपकी डील्स करती है प्लांट डिसीजेज़ के साथ में दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर की महत्वपूर्ण ब्रांच है दोस्तों, क्योंकि इसी में जो आपकी फसल है, उपज है, प्रोडक्टिविटी है, उसके जो बीमारी लगती है उसका निदान किया जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है कि वह किन कारणों से लग रही है दोस्तों। तो ये एग्रीकल्चर की एक महत्वपूर्ण ब्रांच होती है क्योंकि दोस्तों जब किसी भी व्यक्ति को रोग होता है तो उसका उपचार और इलाज जरूरी होता है। अगर इलाज और उपचार ना हो तो आप जानते हैं उसके बाद में क्या होता है। वैसे ही दोस्तों ये पौधों के बारे की स्थिति है कि अगर पौधों का सही समय पर उपचार और इलाज नहीं किया गया तो फिर दोस्तों आप जानते हैं कि आपकी प्रोडक्ट पौधा आपका मर जाएगा और प्रोडक्टिविटी पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। तो ये दोस्तों एग्रीकल्चर की एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ब्रांच है दोस्तों। फिर इट इज़ कंसर्न्ड विद हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रोविंग प्लांट है दोस्तों। फाइटोपैथोलॉजी जो है वो आपका ग्रीक वर्ड है, तो जो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। तो फाइटोन का मतलब होता है दोस्तों प्लांट, पैथोस का मतलब होता है डिसीज, एलिमेंट्स और सफरिंग, और लोगोस का मतलब होता है डिस्कोर्स दोस्तों। तो दोस्तों ये इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, बॉटेनिकल और बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद कॉजेज, इटियोलॉजी रिजल्टिंग इन लॉसेज एंड मैनेजमेंट मेथड ऑफ द प्लांट डिसीजेज दोस्तों। तो दोस्तों आपको मुख्य बात ये याद रखनी है कि आपकी ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड और फाइटोन प्लस पैथोज और प्लस लोगोस तीन शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। और ये आपकी ब्रांच एग्रीकल्चर की है, बॉटेनिकल की और बायोलॉजिकल साइंस की ब्रांच है दोस्तों। और ये दोस्तों आपकी प्लांट में लगने वाले डिसीजेस, पैथोजन और उनके क्या लक्षण हैं और उनका कैसे मैनेजमेंट किया जाता है उसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद में जो है प्लांट पैथोलॉजी हैज़ द फॉलोइंग मेजर ऑब्जेक्टिव दोस्तों, इसमें सिर्फ अपन लोग महत्वपूर्ण बात की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें प्लांट पैथोलॉजी के जो मोस्ट मेजर ऑब्जेक्टिव है दोस्तों उसको देखते हैं दोस्तों। तो टू स्टडी अबाउट बायोटिक एंड मीजोबायोटिक एंड एबायोटिक कॉजेज ऑफ द डिसीज एंड डिसऑर्डर है। तो दोस्तों ए बायोटिक में जैसे आपको पता हो तो इसमें फंजाई आते हैं दोस्तों, बैक्टीरिया आते हैं और प्रोटोजोआ आते हैं दोस्तों, माइकोप्लाज्मा आते हैं। तो ये दोस्तों ये सब आपके बायोटिक में आते हैं लिविंग में। मीजोबायोटिक में दोस्तों आपके वायरस आते हैं एंड वायरॉइड्स आते हैं, और जो दोस्तों आपके नॉन लिविंग रहते हैं उसमें एनवायरमेंटल फंक्शन आते हैं जैसे टेम्परेचर हो गया, लो और एक्सेस हाई, एक्सेस ऑफ लाइट हो गया, लो और एक्सेस मतलब न्यूट्रिएंट डिफिशेंसी हो गई या न्यूट्रिएंट टॉक्सिसिटी हो गई। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे मेजर एबायोटिक फंक्शन है जो आपके इसके अंतर्गत, तो दोस्तों इसी के अंतर्गत आते हैं और फिर इसी का इसमें अध्ययन किया जाता है दोस्तों। दूसरे नंबर पर आता है टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ डिसीज डेवलपमेंट बाय पैथोजन। तो दोस्तों जो आपका डिसीज डेवलपमेंट पैथोजन्स हैं उनका मैकेनिज्म है उनकी स्टडी की जाती है। टू स्टडी द होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शन इन रिलेशन टू एनवायरमेंट दोस्तों, ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। और टू डेवलप द मेथड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द प्लांट डिसीजेज। तो दोस्तों ये आपके चार के चारों जो है ये मेजर ऑब्जेक्टिव है प्लांट डिसीजेज, प्लांट पैथोलॉजी के दोस्तों। फिर दोस्तों बात करते हैं डिसीजेज, डिसीज क्या है। तो दोस्तों डिसीज जो है दोस्तों इसकी बहुत ही सरल परिभाषा जो दी गई है मैं आपको बताऊँ दोस्तों, ये है डिसीज इज अ मेल फंक्शनिंग प्रोसेस दैट इज कंटिन्यूस, दैट इज कॉज्ड बाय कंटिन्यूस एरिटेशन विच रिजल्ट इन सम सफरिंग प्रोड्यूसिंग सिम्टम्स दोस्तों। दोस्तों ये वाली जो डेफिनेशन है ये मोस्ट एक्सेप्ट है और फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी और ब्रिटिश माइकोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा दी गई
परिभाषा है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें सिर्फ अपन लोग मोस्ट मोस्ट जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ना कि आपके पूरा उसमें कवर करें दोस्तों। जो मोस्ट है वो जो काम की बात है सिर्फ उसमें देखेंगे दोस्तों। जैसे दोस्तों इन अदर जो आपकी डेफिनेशन है ये है, आ प्लांट इज सेड टू बी डिसीज्ड व्हेन देयर इज अ हार्मफुल डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दोस्तों। ये आपकी दी गई थी फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश प्लांट प्लांट पैथोलॉजिस्ट 1973 में दोस्तों। फिर दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, फिर दोस्तों इसके बाद में शुरुआत करते हैं कि हिस्ट्री क्या है, क्योंकि दोस्तों प्लांट पैथोलॉजी की हिस्ट्री भी बहुत पूछी जाती है और हिस्ट्री से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन इसके आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका बात करते हैं पहले हम, तो दोस्तों इसमें हिस्ट्री में जो देखते हैं सबसे पहली बात आती है दोस्तों कि जो इंडिया की सबसे पहली बुक है जिसमें डिसीज़ का वर्णन किया गया था दोस्तों, वो ब्रिच आयुर्वेदा है दोस्तों, जो रिटन बाई थी ये सूरापाल द्वारा लिखी गई थी, एन एंशिएंट इंडिया कंटेंड इन्फॉर्मेशन ऑन प्लांट डिसीज़। तो ये दोस्तों इंडिया की पहली पुस्तक है जिसमें प्लांट के जो पादप के रोग हैं उसके बारे में चर्चा की गई थी दोस्तों, प्लांट डिसीजेज़ के बारे में देखा गया था दोस्तों, वर्णन किया गया था, डिस्क्रिप्शन में दिया गया था दोस्तों। फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, दिस इज़ द बुक इंडियन बुक विच गेव द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ऑन प्लांट डिसीजेज दोस्तों। ही डिवाइडेड प्लांट डिसीजेज इंटू टू ग्रुप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो दोस्तों इसमें डिसीज़ को दो प्रकार से बांटा गया था, डिवाइडेशन किया गया था, एक तो इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल, बाहरी और आंतरिक बातों पर। फिर दोस्तों प्लांट डिसीजेज लाइक रस्ट, स्मट, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू एंड ब्लाइट वर मैंसनड इन द बाइबल में भी दोस्तों मैंसनड किया गया था दोस्तों। फिर बात करते हैं दोस्तों सेकंड नंबर पे जो पॉइंट है वो ग्रीक फिलोसोफर थियोफ्रेस्टस जो थे वो दोस्तों वाज द फर्स्ट टू स्टडी एंड राइट द अबाउट द डिसीजेज ऑफ ट्रीज, सीरियल्स एंड लेग्यूम्स इन हिज बुक इंक्वायरी इनटू प्लांट दोस्तों। ये आपकी सबसे ज़्यादा कई एग्जामों में पूछी गई कि थियोफ्रेस्टस की इंक्वायरी इनटू प्लांट, तो जो आपकी बुक है वो थियोफ्रेस्टस की बुक है दोस्तों। फिर दोस्तों इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, थियोफ्रेस्टस हैज़ रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इमेजिनेशन एंड एक्सपीरियंस बट दे वर गॉट बेस्ड ऑन एनी एक्सपेरिमेंट दोस्तों। तो ये दोस्तों इतना काम का नहीं है, इसमें सिर्फ आपको यह याद रखना है कि इंक्वायरी इनटू प्लांट जो बुक है वो थियोफ्रेस्टस की दोस्तों। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो माइकोलॉजी से जो संबंधित महत्वपूर्ण हिस्ट्री है डेवलपमेंट उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो डच वर्कर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉग डेवलप्ड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप 1675 में दोस्तों। फिर 1729 में दोस्तों इटालियन बॉटनिस्ट पी ए माइकेली प्रपोज्ड फंजाई कम्स फ्रॉम स्पोर, फादर ऑफ माइकोलॉजी दोस्तों, पी ए माइकेली को फादर ऑफ माइकोलॉजी बोलते हैं दोस्तों। फिर 1755 में फ्रेंच बॉटनिस्ट टेलेट पब्लिश्ड अ पेपर ऑन बंट और स्टिंगिंग ऑफ स्मट ऑफ वीट, डिस्कवर्ड बंट इन अ डिसीज ऑफ वीट है दोस्तों। फिर देन दोस्तों इम्पोर्टेंट जो है 1807 में दोस्तों फ्रेंच जो साइंटिस्ट थे आई बी प्रीपोस्ट शोड बंट ऑफ वीट इज अ फंगस एंड शोड एविडेंस दैट अ डिसीज इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोस्तों। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, और इसके बाद में आगे बढ़ते हुए देखते हैं दोस्तों 1821 में ई एम फ्राइज पब्लिश्ड सिस्टेमा माइकोलॉजिकम फॉर नेमिंग ऑफ फंजाई, ही वॉज नेम्ड एज लीनियस ऑफ माइकोलॉजी दोस्तों। फिर 1821 में दोस्तों रॉबर्टसन ऑफ इंग्लैंड स्टेटेड दैट सल्फर इज इफेक्टिव अगेंस्ट पीच मिल्ड्यू दोस्तों। तो रॉबर्टसन ने ऑफ इंग्लैंड के जो थे वो सल्फर के लिए इफेक्टिव बताया था, अगेंस्ट पीच मिल्ड्यू के लिए बताया था दोस्तों। फिर 1845 दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आयरिस पोटैटो फेमाइन, तो आयरिस पोटैटो फेमाइन को दोस्तों ऑल्सो कॉल्ड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो दोस्तों। तो ये आपकी काफ़ी पूछी जाती है दोस्तों, लेट ऑफ ब्लाइट ऑफ पोटैटो दोस्तों। तो ये दोस्तों बहुत ही एक महत्वपूर्ण बीमारी है और इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था, मतलब जो फेमाइन आया था उस कारण 1.5 मिलियन पीपल हो गए थे, तो ड्यू टू फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस के जो कारण दोस्तों ये बीमारी होती है, कॉज स्टारवेशन ऑफ मिलियंस एंड इमिग्रेशन ऑफ 1.5 मिलियन पीपल दोस्तों। 1.5 मिलियन पीपल को वहाँ से इमिग्रेट होना पड़ा दोस्तों, और ये दोस्तों उस समय की एक महत्वपूर्ण घटना थी दोस्तों। फिर दोस्तों बात करते हैं 1858 में जी कोन पब्लिश द फर्स्ट टेक्स्ट बुक इन प्लांट पैथोलॉजी, द डिसीज ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड देयर कॉजेज एंड देयर कंट्रोल दोस्तों। तो जो आपकी कोन ने मतलब फर्स्ट टेक्स्ट बुक इन प्लांट पैथोलॉजी में लिखी थी
द डिसीजेस ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स, देयर कॉज एंड देयर कंट्रोल। दोस्तों फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एंटोन डी वेरी। तो एंटोन डी वेरी जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे दोस्तों, वर्क आउट द लाइफ साइकिल ऑफ पोटैटो लेट ब्लाइट एंड फर्स्ट टू प्रूव एक्सपेरिमेंटली फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस इज द कॉज ऑफ पोटैटो लेट ब्लाइट। ही प्रूव्ड दैट फंजाई कॉजेज बट नॉट द रिजल्ट ऑफ डिसीजेज। ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों एंटोन डी वेरी को द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी भी कहते हैं दोस्तों। फिर 1865 में एंटोन डी वेरी रिपोर्टेड हेटेरियस नेचर ऑफ द वीट स्टेम रस्ट। दोस्तों फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है, 1869 में इंग्लैंड लॉसेज कॉफ़ी प्रोडक्शन टू कॉफ़ी रस्ट फोर्स टू ग्रो टी। 1874 में दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है, रॉबर्ट हार्टिक पब्लिश इन टाइटल्ड इम्पॉर्टेंट डिसीजेज ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज, इन्हें बुक पब्लिश की थी रॉबर्ट हार्टिक ने दोस्तों। फिर 1875 से 1912 के बीच में ब्रेफील्ड डिस्कवर द मेथड ऑफ आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ही ऑल्सो इलस्ट्रेटेड द कम्प्लीट लाइफ साइकिल ऑफ सीरियल्स स्मट फंजाई एंड डिसीजेज कॉज्ड बाय देम। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, एम एस बोरोनिन जो है डिस्कवर्ड एंड नेम द क्लब रूट ऑफ कैबेज पैथोजेंस एज अ प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी। दोस्तों तो ये दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि 1877 में एम एस बोरोनिन ने डिस्कवर्ड एंड नेम्ड द क्लब रूट ऑफ कैबेज पैथोजन एज अ प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी। दोस्तों फिर बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, फिर दोस्तों इसमें एम एस बोरोनिन ने फाउंड आउट द लाइफ साइकिल ऑफ पोटैटो वार्ट डिसीज। दोस्तों तो ये भी आपका महत्वपूर्ण है बात है कि एम एस बोरोनिन जो है वो फाउंड आउट किया था लाइफ साइकिल ऑफ पोटैटो वार्ट डिसीज। दोस्तों फिर 1878 में द डाउनी मुल्डी ऑफ ग्रेप वाइन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू यूरोप फ्रॉम अमेरिका। दोस्तों एंड द डिसीज ऑलमोस्ट रुइन द वाइन इंडस्ट्री। तो दोस्तों जो आपकी डाउनी मुल्डी ऑफ ग्रेप वाइन है, जो आपकी ये बीमारी इसके कारण से, मतलब इसके कारण से जो ये बीमारी अंगूर में जो लगती थी दोस्तों, इसके कारण पूरी वाइन इंडस्ट्री तबाह हो गई थी एक प्रकार से इस बीमारी के कारण, क्योंकि अंगूर की पैदावार ख़त्म सी हो गई थी दोस्तों, वाइन इंडस्ट्री पूरी बेकार हो गई थी, ख़त्म सी हो गई थी। फिर दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं 1881 में एच एम वार्ड वर्क आउट द लाइफ साइकिल ऑफ कॉफ़ी रस्ट लीफ रस्ट एंड ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि किसे फादर ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं, तो एच एम वार्ड को कहते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण पॉइंटों को ही देखेंगे कि फादर ऑफ फॉरेस्ट प्लांट पैथोलॉजी किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट हार्टिक को कहा जाता है दोस्तों। फिर 1885 में दोस्तों प्रोफेसर पी एम ए मिलार्डेट, जिसे आप पीरे मेरी एलेक्जिस मिलार्डेट भी बोलते हैं, एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द बोर्डेक्स मिक्सचर फॉर द कंट्रोल ऑफ द डाउनी मिल्डी ऑफ ग्रेप वाइन। दोस्तों तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार था डाउनी मिल्डी के लिए, जो प्रोफेसर मिलार्डेट प्रयोग कर रहे थे दोस्तों, और इन्हीं के कारण फिर ग्रेप वाइन को, डाउनी मिल्ड्यू को जो है वो ग्रेप से कंट्रोल किया गया था दोस्तों, और अच्छा पैदावार प्राप्त करने के लिए दोस्तों फिर से ये शुरुआत की गई थी। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि ये एक अचानक एक्सीडेंटल घटना थी कि वो प्रयोग कर रहे थे दूसरी चीज़ के लिए मिलार्डेट साहब, लेकिन वो एक जगह पर वो प्रयोग जब अनसक्सेसफुल हो रहा था तो उसी को फेंकते जा रहे थे, उसी घोल को, और जब वो उसी घोल को वो फेंकते गए तो उसके जो आसपास का एरिया था, उन्होंने देखा जो प्लांट, मतलब अंगूर का जो पौधा था, वहाँ पर ग्रेप वाइन, मतलब जो डाउनी मिल्ड्यू लगा था वो ठीक हो गया था, और एक प्रकार से कहें कि हुआ नहीं था दोस्तों। तो फिर जब उनको पता चला कि इसको करने से, मतलब इस घोल को बनाने से ऐसा ग्रेप वाइन, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन ख़त्म हो गया पूरी तरीके से, तो फिर इस प्रकार इसका आविष्कार किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों इसका 5:5:50 का इसमें कॉपर सल्फेट लाइम प्लस वाटर का आपका मिश्रण रहता है दोस्तों। फिर दोस्तों इसमें 1885 में ए वी फ्रैंक जो थे डिफाइंड एंड नेम्ड द माइकोराइजल एसोसिएशन इन प्लांट रूट्स। दोस्तों तो ये आपका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है माइकोराइजल एसोसिएशन इन प्लांट रूट्स है जो है वो ए वी फ्रैंक ने डिफाइंड किया था दोस्तों। फिर 1887 बर्गंडी मिक्सचर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मैसन ऑफ फ्रांस। दोस्तों तो जो आपका बर्गंडी मिक्सचर तैयार किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, वो मैसन नाम के वैज्ञानिक ने जो फ्रांस के थे उनने किया था। फिर 1894 में स्वीडिश साइंटिस्ट एरिकसॉन डिस्क्राइब द फेनोमेनन ऑफ
लॉजिक रेसेस इन फंगस एंड पक्सीनिया ग्रैमनेस। दोस्तों तो स्वीडिश साइंटिस्ट थे जो एरिक्सन डिस्क्राइब द फेनोमेनन ऑफ फिजियोलॉजिकल रेसेस इन फंगस पक्सीनिया ग्रैमनेस का। दोस्तों फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर डब्ल्यू ए ऑर्टोन सिलेक्टेड एंड ब्रीड वाटरमेलन काउपी एंड कॉटन रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस टू फ्यूजेरियम विल्ट डिसीज एंड ही इज कंसिडर्ड एज अ पायोनियर वर्कर एंड डेवलपमेंट ऑफ द डिसीज रेसिस्टेंस वेराइटी। दोस्तों तो डब्ल्यू ए वॉर्टन का एक महत्वपूर्ण आविष्कार था दोस्तों। फिर दोस्तों बात करते हैं, फिर दोस्तों जो इम्पोर्टेंट बात है उसी को आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, जब तक दोस्तों इसको स्किप करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो है 1918 ईजे बटलर जो थे वो फंजाई एंड डिसीज इन प्लांट। दोस्तों ये महत्वपूर्ण बुक है और ये वक्त कई बार बुक पूछी गई है दोस्तों एग्जाम सेल्फ में, तो आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आइसोलेटेड द एंटीबायोटिक तो पेनिसिलिन फ्रॉम द फंगस एंड पेनिसिलियम नोटो टम। दोस्तों फिर देन दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डब्ल्यू एच टिसडेल एंड विलियम्स स्टडी द ऑर्गेनिक फंजीसाइड बाय डिस्कवरिंग एराइल डाइटो कार्बोमेट्स। दोस्तों फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो दोस्तों है इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो 1942 एचएच फ्लो डेवलप्ड द जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस इन फ्लैक्स रस्ट। दोस्तों ये आपका पूछा जाता है। फिर 1943 दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई बार पूछी गई चीज़ है दोस्तों, कि ग्रेट बंगाल फेमाइन ड्यू टू हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी कॉज्ड बाय द डेथ ऑफ द 2 मिलियन पीपल इन इंडिया। दोस्तों तो ये आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी हो, कई बार पेपरों में पूछी गई, क्योंकि दोस्तों ये इंडिया में हुई थी और बंगाल में इसका प्रभाव अधिक रहा है दोस्तों, ग्रेट बंगाल फेमाइन जिसे बोलते हैं, और ये हुआ था आपका हेलमिंथोस्पोरम ओराइजी, इसी धान में आपकी एक डिसीज थी जो लगी थी दोस्तों, इसके कारण फसल तबाह हो गई थी और 2 मिलियन पीपल इन इंडिया में डेथ हुई थी दोस्तों इस अकाल के कारण। दोस्तों फिर बात करते हैं 1943 में डायमंड ह्यूबर्गर एंड हॉर्सल डिस्कवर्ड द एथाइलिन बाई बिस डाइटो कार्बोमेट। दोस्तों डिक थियो कार्बोमेट। फिर दोस्तों बात करते हैं 1945 में जे एच हॉर्सल एक्सप्लोर द मैकेनिज्म ऑफ फंजीसाइड एक्शन है। फिर 1948 बी बी मुंडकर एंड स्टार्टेड फ्रॉम इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी विद द जनरल इंडियन फाइटोपैथोलॉजी एंड ही इज़ रिटन द फंजाई एंड डिसीजेज प्लांट डिसीजेज। दोस्तों तो इनकी दोस्तों ये बुक काफ़ी पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव में, इनकी बुक का क्या नाम था, तो फंजाई एंड प्लांट डिसीजेज था दोस्तों 1949 में। तो सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इसमें सिर्फ इनकी जो बुक है उनका नाम याद रखने की ज़रूरत है दोस्तों, बस दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी रहेगा दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर दोस्तों इसमें जो नॉर्मन बोरलॉग एंड एसोसिएटेड डेवलप द मल्टी लेंस कल्टीवर्स फॉर वीट। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। फिर दोस्तों इसके बाद में 1963 में जे ई बेंडर प्लांग फाउंड ऑन वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल टाइप ऑफ रेसिस्टेंस इन क्रॉप प्लांट। दोस्तों तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसमें सिर्फ हम लोग आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही देख रहे हैं दोस्तों। फिर 1966 ये वाला भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेन एच मिलिंग एंड मार्शल कुलकर वॉज द फर्स्ट टू फाइंड आउट सिस्टेमिक फंजीसाइड ऑक्सीथिन कंपाउंड्स कार्बोक्सिन एंड ऑक्सी कार्बोक्सिन। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फिर दोस्तों बात करते हैं बैक्टीरियोलॉजी की। तो बैक्टीरियोलॉजी में जो दोस्तों हैं, सबसे पहले 1683 में ल्यू वेन हॉक फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बैक्टीरिया। दोस्तों बैक्टीरियोलॉजी में ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर 1876 में लुईस पाश्चर एंड रॉबर्ट कोच दे प्रूव्ड दैट एंथ्रेक्स डिसीज ऑफ कैटल वॉज कॉज्ड बाय स्पेसिफिक बैक्टीरियम। फिर 1876 में रॉबर्ट कोच ऑफ जर्मनी डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ कॉल्ड कोच पोस्टुलेट एंड ही एस्टेब्लिशमेंट द प्रिंसिपल ऑफ प्योर कल्चर टेक्निक। दोस्तों फिर 1876 में रॉबर्ट कोच एंड पास्कर डिसप्रूव्ड दैट द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ डिसीज एंड प्रपोज जर्म थ्योरी इन रिलेशन टू द डिसीज ऑफ मैन एंड एलिमेंट है दोस्तों। फिर दोस्तों बात करते हैं, अमेरिकन प्लांट पैथोलॉजिस्ट टी जे बोरेल फर्स्ट टाइम प्रूव्ड दैट फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर वॉज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम इरविनिया एमाइलो बोरा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है, तो इसको आप स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों। फिर दोस्तों बात करते हैं,
ई एफ स्मिथ ऑफ यूएसए गेव द फाइनल प्रूफ ऑफ द फैक्ट ऑफ द बैक्टीरिया कुड द इंसिडेंट्स ऑफ प्लांट डिसीजे. ही ऑल्सो वर्क ऑन द बैक्टीरियल विल्ट ऑफ कुकरविट्स एंड क्राउन गॉल डिसीजे. ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ फाइटो बैक्टीरियोलॉजी. दोस्तों ई एफ स्मिथ ऑफ यूएसए को कहा जाता है फादर ऑफ फाइटो बैक्टीरियोलॉजी. चिल्टन एंड हिज वर्कर को वर्कर्स डिमोन्स्ट्रेटेड दैट क्राउन गॉल बैक्टीरियम ट्रांसफॉर्म प्लांट सेल टू ट्यूमर सेल्स बाय इंट्रोड्यूसिंग इन टू दैम एज अ प्लाज्मिड. दोस्तों फिर दोस्तों बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं. 1952 में जे लीडरबर्ग कॉइन द टर्म प्लाज्मिड. तो एस ए वॉक्समैन एंड वॉन नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रेप्टोमाइसिन के कारण इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, जे एस ए वॉक्समैन जो थे. फिर दोस्तों आप पढ़ते हैं आगे दोस्तों. तो 1952 में जिंडर एंड लीडरबर्ग जो डिस्कवर द ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया. इन 1962 एच स्टॉल्प डिस्कवर द बीडेल बीरियोज. फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं. फिर दोस्तों इसके बाद में डायरेक्ट प्लांट बायोलॉजी में पहुँचते हैं दोस्तों. तो प्लांट बायोलॉजी में दोस्तों जो है एडोल्फ मेयर डिस्क्राइब्ड एज अ डिसीज ऑफ टोबैको कॉल्ड मेसिकेट किरण टोबैको मोजेक. तो चीज जो है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार पूछी गई है, टोबैको मोजेक डिसीज को किसने आविष्कार किया गया था. तो एडोल्फ मेयर ने डिस्क्राइब्ड किया था दोस्तों. फिर दोस्तों बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट डिसीज है, सिर्फ दोस्तों इसी की बात कर रहे हैं. एम डब्ल्यू बेजरिंक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड फाउंडर ऑफ बायरोलॉजी. तो फाउंडर ऑफ बायरोलॉजी भी थे दोस्तों. इनिशिएटिंग टोबैको मोजेक इज नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ही बिलीव्ड इट इज टू बी कॉन्टेनिजियम वायम फ्लूडियम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड. ही वॉज द फर्स्ट टू यूज द वायरस टर्म वायरस विच इज़ द लेटिन वर्ड फ्रॉम फॉर पॉइजन दोस्तों. फिर नेक्स्ट जो है दोस्तों बात करते हैं. एम डब्ल्यू स्टेनली प्रूव द वायरस कैन बी मेड एज क्रिस्टल्स एंड ही गॉट नोबेल पुरस्कार. इसके लिए उनको एम डब्ल्यू एम स्टेनली को नोबेल पुरस्कार भी मिला था दोस्तों. फिर आगे बात करते हैं दोस्तों. काउस के एंड कॉलेजियस फर्स्ट टाइम शो द टी एम बी टोबैको मोजेक वायरस पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कारण देखा गया था दोस्तों. फिर दोस्तों फिर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, 1966 में कैसेनिस डिस्कवर द सेटेलाइट वायरस. फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं. फिर दोस्तों टीओडाइनर 1971 में टीओडाइनर डिस्कवर द वायरॉइड्स. तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि किसने वायरॉइड्स को डिस्कवर किया था. तो टीओडाइनर ने, विच ओनली कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड स्मॉलर देन वायरसेस कॉज्ड ऑफ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज. तो पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिसीज जो होती है दोस्तों उसमें कौन कॉज्ड करता है, तो उसमें वायरॉइड्स होते हैं दोस्तों. फिर फाइटोप्लाज्मा, तो डॉई एट ऑल और जापानी साइंटिस्ट फाउंड द माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म एमएलओ कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज ऑफ द येल्लो टाइप. डॉय ऑब्जर्व दैट एमएलओज आर कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन फ्लोएम वाइल ईजियल ऑब्जर्वड एमएलओज टेम्परेली डिसअपियर्ड व्हेन द प्लांट आर ट्रीटेड विद टेट्रासाइक्लिन एंटीबॉडीज दोस्तों. तो ये फाइटोप्लाज्मा से संबंधित था दोस्तों. फिर स्पायरोप्लाज्मा की देख लेते हैं. 1972 में डेवीज एट ऑल ऑब्जर्व दैट अ मोटाइल हेलिकल. दोस्तों ये मोटाइल होता है, हेलिकल होता है एंड वॉल लेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएशन विद कॉर्न स्टंट डिसीज एंड विच कुड बी कल्चर एंड कैरेक्टराइज एंड द नेम्ड एज अ स्पायरो प्लाज्मा दोस्तों. तो दोस्तों आज हम लोगों ने प्लांट पैथोलॉजी की डेफिनेशन सहित प्लांट पैथोलॉजी की डेफिनेशन और इसके साथ ही उसकी जो हिस्ट्री है उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु उसके देखा है दोस्तों. और जितने दोस्तों बात की है अपन लोगों ने वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू थे, इसलिए उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं दोस्तों. और वीडियो को अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं. और साथ ही साथ में दोस्तों इसके अगले कमेंट में आप बताइए कि आपको इसके अगला जो वीडियो है वो भी प्लांट पैथोलॉजी की जो आगे की टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में बनाया जाएगा. थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में.